तो भाइयों, आपका मेरे न्यू गेम प्ले में वापस स्वागत है। और इस गेम प्ले में मैं लाया हूँ पबजी लाइट का वॉर मोड। आप बेसिकली पूछेंगे कि इतने दिनों से मैं कहाँ था, तो आपको मैं ये बता दूँ कि मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था। बट अब जैसे ही मेरा नेट डला, मैंने वीडियो बनाई और उस पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और बस आगे आप देखेंगे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं फिर बढ़िया से सीन। चलिए What the fuck was that? बेसिकली आपके भाई ने यहाँ से पट से 4 किल मार दिए, वो भी इन नूबड़ों का ट्रोल करते हुए। एक को तो ग्रेनेड से मारा और 3 को M416 से दौड़ा गए। भाई अब मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आया टेलीपोर्टेशन हैक कैसा था। मेरे को लगा सिर्फ मेरे पे ही हैक है, पर सब पे ही हैक आने लग गया, फिर दिक्कत क्या है। जैसे मैंने देखा कि वीपी गेमर पे भी हैक था, यार ऐसे थोड़ा चलता है यार, हद हो गया यार। मतलब तो मुझे यहाँ से पता नहीं था मुझे कौन मार रहा है, तो इसलिए मैं टीवी भी देख लेके देखने लग गया कि मुझे कौन सा मार रहा था। पर मुझे कोई दिखा तो नहीं, तो इसलिए मैं सेफ्टी के लिए अंदर चला गया। और फिर अब साइड वाली खिड़की से देखूँगा कि कौन मुझे मार रहा था। मुझे इस घर में 2 बंदे दिखे, एक छत पे एक नीचे, पर मुझे लगा नहीं था कि वो छत से एंगल ले पाएगा मुझे मारने के लिए। तो इसलिए मैं सोचा कि एक बार मैं बाहर जाऊँगा और देखूँगा कि कौन सा शूट कर रहा है मेरे को। पर उस बंदे ने तो मुझे पूरा ख़त्म करके छोड़ दिया। वैसे हाँ, आप भी ये ट्राई कर सकते हो कि TPP लेके ये देख सकते हो कि आपको कौन मार रहा है। Smoke weed every day. इसी के साथ तुम्हारे भाई ने 2 किल सस्ते में ले लिए और विदाउट एनी हेल्थ डैमेज। पर अब मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि वापस से डैमेज मुझे कहाँ से पड़ रहा है। फिर मैं इधर उधर देखा, मुझे पता नहीं, तो मैं सोचा कि नीचे कूदना ही ठीक रहेगा। और मैं अब घर के अंदर जाने लगा ताकि मैं अपनी हेल्थ ठीक कर पाऊँ। तो इन भैया को तो हमने सस्ते में ही मार दिया। मुझे इस घर से शूटिंग की आवाज़ें आ रही थी, तो इसलिए मैं कंफर्म करने के लिए पहुंच गया कि इस घर में कोई ओपोनेंट है या नहीं। पर उसी के बाद मुझे रिवर पार से आवाज़ें आती है और मैं उस तरफ स्कोपिंग करके देखता हूँ, और फिर देखते हैं क्या हुआ।
तो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, उस बंदे ने एक सेकंड भी नहीं लगाया मेरे को मारने में पूरा, और जब मैं शूट करते रहता हूँ तो 10 सेकंड लगते हैं मारने में। ये पबजी लाइट के लॉजिक से अब तक मुझे समझ नहीं आया। फिर मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखता है जो AFK प्लेयर्स को मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने सोचा इसको ही बकरा बना लेते हैं। तो अब तुम्हारा यहाँ भाई फेंकने जाएगा ग्रेनेड ऑफ द ईयर, और इस ग्रेनेड का मुझे नोबेल पुरस्कार भी मिलेगा थोड़ी देर तक। वैसे मुझे भी समझ नहीं आया कि ये इमोट करने की ज़रूरत क्या थी। तो यहाँ पे मुझे वापस समझ नहीं आया मुझे कहाँ से पड़ी। फिर मैं देखता हूँ कि ये ब्लू कलर की घर में की छत पे बंदा है, वो मुझे मार रहा था, तो मैं उसकी तरफ रश कर देता हूँ। तो मुझे पता था कि वो दरवाजे पे तान के बैठा होगा और मेरा इंतज़ार कर रहा होगा कि मैं कब आऊँ, और वो कैंप कर रहा होगा वहाँ बैठे, तो इसलिए मैं दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करने लगा और देखे क्या होता है आगे। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि मैं नूब हूँ। हाँ, और हाँ, उसमें कोई शक भी नहीं है कि मैं नूब ही हूँ। उसके माथे वो मेरे सामने से निकल गया, मैंने फिर भी शूट नहीं किया। मुझे घिन आ रही अपने ऊपर, हद होगी यार। तो जो आपने देखा है यहाँ पे उसे भसड़ कहते हैं, और इंग्लिश में उसे केओस कहते हैं। मैं ठीक है ना? तो इस केओस में ओवरऑल मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक बार मर गया और एक बार मार गया, बस। रेस्ट इन पीस। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। घरों में तो यहाँ पे मैं इस जने को भी मार सकता था, पर मैंने मारा नहीं क्योंकि मुझे अपना किल कंफर्म करना था, तो इसलिए मैं उसे मारता रहा, वो मुझे मारता रहा। ओवरऑल मेरी हत्या हो गई और उसको भी मार के चला गया, तो ओवरऑल कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि एक मारा और एक बार मर गया। तो ये वही बंदा था जो मैं को इतनी बार मार चुका था, और मैंने अब बदला ले लिया इसे एक बार मार के, तो मुझे बड़ी खुशी मिली। तो इसी के साथ तुम्हारे भाई का इजी चिकन डिनर आ चुका है, और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को लाइक नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है, और वो घंटे को ज़रूर बजा देना। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ओके बाय। अरे कल्टी भी हो जाओ अब, हद होगी।
Dun, dun, dun.